वेट अ मिनट, हम लोगों ने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है। अदरवाइज हाय एवरीवन, दिस इज ज्योति शेखावत, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेकअप ब्यूटी की वीडियोस बनाना मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। तो ये जो आज लुक है मैंने क्रिएट किया है, आपको ये लुक बहुत अच्छा लगा है। ये मेकअप हॉल वीडियो जो मैंने शूट की थी, इससे प्रीवियस वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने इस लुक को कैरी किया था एंड आप लोगों ने इस लुक को बहुत पसंद किया था। आपने पूछा था, मैं यहाँ पे कमेंट शो कर दूंगी, जिन्होंने मुझसे इस लुक के बारे में बोला था कि आप रिक्रिएट कीजिए वाला लुक। तो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लुक रिक्रिएट करने के लिए बोला। एंड सेकेंडली, ये लुक इतना अच्छा टर्न आउट हुआ था तब भी एंड अभी भी ये लुक बहुत अच्छे से टर्न आउट हुआ है। तो बेसिकली इस लुक के अंदर मैंने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट यूज किए हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो का लुक। तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए जिस प्रोडक्ट की हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, वो होने वाला है एक प्राइमर। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पैक का प्राइमर। तो अगर आपको ये सवाल आ रहा होगा, बिकॉज हो सकता है कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप बिगनर हो, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या प्राइमर इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक प्राइमर के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे पता है क्या लगता है कि जब आप समर्स में मेकअप करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। जैसे मुझे पर्सनली जिस एरियाज में स्वेटिंग होती है वो ये वाला एरिया है। तो जब स्वेटिंग होती है ना, तो यहाँ से मेकअप मूव कर जाता है। ये जो प्राइमर होता है ना, वो क्या करता है कि आपकी स्किन और मेकअप के बीच में ना एक बैरियर क्रिएट करता है, फ्लॉलेस देता है कि लाइक आपका बेस बहुत फ्लॉलेसली जाएगा और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। बट साथ में ना ये क्या करता है कि आपके मेकअप के बीच में और आपकी स्किन के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन यही है आपको कि आप एक प्राइमर के अंदर जरूर इन्वेस्ट कीजिए। वो प्राइमर आपकी चॉइस का होना चाहिए, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सबसे पहले मैंने प्राइमर को लिया बैक ऑफ द हैंड, एज यू कैन सी हियर, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे अप्लाई किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन एरियाज में अप्लाई करना है जहाँ पे आपको स्वेटिंग होती है। तो यूजुअली पोर्स कहाँ पर होते हैं? यूजुअली पोर्स हमें इस एरियाज में होते हैं। तो आप अपनी स्किन को जब बहुत क्लोजली वॉच करेंगे ना मिरर के सामने खड़े होकर, तो आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कुछ जगहों पे विजिबल होते हैं, कुछ जगहों पे वो विजिबल नहीं होते हैं। तो जिन जगहों पे वो विजिबल होते हैं ना, आपको उन प्लेसेस पे तो अप्लाई करना ही करना है। तो बेसिकली जो मुझे है ना रिक्वायरमेंट, वो है यहाँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अपर लिप के यहाँ पर स्वेटिंग होती है, तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से अप्लाई करूंगी चिन एरिया पे। ये वो यूजुअल एरिया है जहाँ पर मैं अप्लाई करती ही करती हूँ, जहाँ पे मुझे स्वेटिंग होती है और मैं अप्लाई करती हूँ बेसिकली। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे टैप करके भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे इस मोशन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए। मुझे ना इसे लगाने के बाद वो वाली सेटिस्फेक्शन होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग प्लीज एक मेकअप प्राइमर के अंदर इन्वेस्ट करें। अभी ना मुझे ये कि लाइक यूजुअल जो एरियाज है ना, वो मेरे ना कवर्ड हो चुके हैं, मतलब मेरे स्किन और मेकअप के बीच में ना एक बैरियर क्रिएट कर दिया है मैंने। पोर फिलिंग प्राइमर है ये, तो अगर ये मेरे पोर्स के अंदर है ना, तो मेकअप मेरे पोर्स के अंदर सेट डाउन नहीं होगा, और वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। डन, आई एम डन। तो इस लुक के अंदर ना मैंने कुछ खास नहीं किया था, समर स्टार्ट हो चुके हैं तो मुझे फाउंडेशन अप्लाई करने का मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था कंसीलर। वो कंसीलर वाला लुक ही था। फॉर योर रेफरेंस, मैं यहाँ पर मैंने लिया है ये कंसीलर, दिस इज एले गर्ल का प्रो कंसीलर इन द शेड मीडियम फॉर द रेफरेंस। ये मेरी स्किन से काफ़ी डार्क है, यहाँ पर आईलिड एरिया के ऊपर भी अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इसे, बिकॉज मुझे वो डार्कनेस नहीं चाहिए, सो दैट जब थोड़ा बहुत भी आई शेडो, बिकॉज मैंने उस लुक के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा आई शेडो अप्लाई नहीं की थी, जो आपने देखा ही होगा, आपने नोटिस किया होगा, बिकॉज जो स्टार था लुक का वो था लाइनर, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आई शेडोज के ऊपर हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। और कंसीलर के साथ आप उन जगहों पे भी, आई मीन उन प्लेसेस पे भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी कवरेज चाहिए होगी। मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैं बहुत ज़्यादा प्लेसेस पर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको कोई एक्ने मार्क्स है या ऐसा कुछ है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो भी फ्लॉज हैं आप उन्हें ईजिली कवर कर सकते हैं।
एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये कंसीलर लिया है, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, तो इसे लेके मैंने अच्छे से अप्लाई किया है एंड इसे मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है बिकॉज एक ही हाइलाइटिंग कंसीलर है, तो इसे मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। इनो थोड़ा सा फनी लुक लग रहा होगा। उसके बाद अभी देखा है आपने कि मैंने अपने फेस के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर लिया है, जहाँ जहाँ पर भी मुझे कवरेज की रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। मैं इसे ब्लेंड करूंगी। अब ब्लेंड करने के लिए ना इसे ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसे अच्छे से वेट करना है और उसके बाद उसे स्क्वीज आउट कर लेना है एंड उसके बाद उसे अच्छे से अपने मेकअप को आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है। बट अगर आप ब्रश से करना चाहते हैं तो ब्रश भी कर सकते हैं, क्योंकि करंटली मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छी कवरेज दे रहा है बिकॉज मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर भी लिया है। आज मैंने फोकस ना लिड एरिया पे नहीं किया, लिड एरिया पे मैंने बहुत कम कंसीलर अप्लाई किया है, मुझे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया जो शो स्टॉपर होगा वो लाइनर होगा ना कि आई शेडोज, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बिगनर्स फ्रेंडली मेकअप है बिकॉज इसमें आई शेडोज का ना उतना कोई काम ही नहीं है आज। इसके बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, यहाँ पे ना थोड़ा सा लिफ्टेड लुक के लिए ना मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ लेकर जा रही हूँ, एज यू कैन सी मैंने ना पीछे की तरफ भी लिया है एंड चिन को भी अच्छे से ब्लेंड किया। आई एम ऑलमोस्ट देयर एंड जो भी मुझे लग रहा है ना थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत जो कंसीलर मेरे ब्रश पे है ना मैं उसी कंसीलर को ना बाकी रेस्ट ऑफ माई फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। As you can see here, so it's almost completed. मैंने थोड़ा बहुत जो कंसीलर मेरे ब्रश के ऊपर था मैंने उसे अप्लाई किया है अपनी नेक के ऊपर भी एंड ईयर्स के ऊपर भी थोड़ा सा अप्लाई किया है एंड एज यू कैन सी उस थोड़े से कंसीलर के अंदर हमें इतनी अच्छी सी कवरेज मिल गई है। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इसे पहले सेट करो, बिकॉज अगर आप सेट नहीं करोगे ना तो या तो स्वेटिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी बहुत, या फिर अगर आप सेट नहीं करोगे तो इससे ये होगा कि आपकी क्रीजेज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्रीजिंग क्या होती है, आपके अंडर आईज के नीचे क्रीजेज लाइंस होती हैं, उसके अंदर मेकअप सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फ्लफी सा ब्रश लेना है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। तो एक फ्लफी सा ब्रश लेना है आपको एंड उसको थोड़ा सा ऐसे डैप करना है बिकॉज जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा ना हमें अपना लुक केक ही नहीं चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा हम उसे ऐसे डस्ट ऑफ करेंगे एंड देन उसके बाद अपने फेस को अच्छे से सेट करेंगे इस तरीके से, सो दैट क्रीजिंग का चांस ही नहीं बचेगा। एंड हम इतना कम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना कि केकीनेस नहीं होने वाली है। नेक्स्ट किस मैंने यहाँ पर भी उस कंसीलर को ड्रैग करके लेकर आ गई थी एंड आई एम डन हेयर। तो क्रीजेस के बारे में पता करना है, तो क्रीजिंग ये होती है, आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ना, मैं कैमरे को थोड़ा सा पास में लेके आती हूँ सो दैट आपको एक अच्छा सा व्यू मिल जाए। तो शो हो रहा है क्रीजिंग, ये क्रीज है, अभी ये आईलिड के ऊपर क्रिएट हुई है बिकॉज मैंने पूरा फेस सेट किया एंड मैंने आईज ना इस वाले एरिया के ऊपर नहीं सेट किया सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रीजिंग हो गई है मुझे। लेकिन आप एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे कोई क्रीज नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे क्रीजिंग, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई किया था और अच्छे से उसको सेट कर दिया था। तो यहाँ पर जब क्रीजिंग होती है ना तो ये कभी भी हो सकती है, तो उसको आपको क्या करना है, पहले उस क्रीजिंग को आप ब्रश भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको फिंगर के साथ अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपको इस क्रीज को यहाँ से इस तरीके से ब्लेंड करते हुए रिमूव कर देना। हो गई है रिमूव, क्या करेंगे जल्दी से अपने पाउडर लेंगे एंड यहाँ पर अप्लाई करके इसे सेट कर देंगे। नाउ वी आर क्लियर ना कि किस लिए हमें जरूरत होती है। अभी ठीक है, ऐसे ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि क्रीजेस क्या होती हैं एंड अगर कभी इन केस क्रीजिंग हो भी जाती है तो आपको उस क्रीजिंग को कैसे हटाना है, उसे कैसे सेट करना है, उसे कैसे फिक्स करना है, अभी आपको पता चल गया है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ यहाँ पर। तो आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल, शेड नंबर डार्क ब्राउन 02 है यहाँ पर। आप चाहें तो जो उस टाइप से आते हैं, हाँ वो
ट्रियो टाइप्स होते हैं ना, उसमें पाउडर एंड वैक्स होता है, मेरे पास भी है वेट एंड वाइल्ड का, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर है ना तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप पेंसिल पे जाएं, बिकॉज पेंसिल से क्या होता है ना, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। वो आप तब जाएं जब आप थोड़े से बिगनर से ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे ना, तब वो आपके लिए बेस्ट होगा। बट करेंटली इफ यू आर अ बिगनर देन यूज दिस। आपको थोड़ा सा ना जूम किया है मैंने, सो दैट आप बहुत इजीली ना देख पाए कि मैं कर क्या रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लाइन क्रिएट की है यहाँ पर, एंड देन तो अच्छे से हम लोग इसे फिल करेंगे एंड स्पूली की हेल्प से ना इसे ब्रश करना। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं ना, वैसे तो आप पेंसिल यूज कर रहे हैं या पाउडर यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो आप इसे ब्रश आउट जरूर करना, बिकॉज उससे क्या होता है ना, वो जो हार्शनेस होती है, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट की थी, जैसे मैंने उसे ब्रश आउट किया है ना, तो वो जो उसकी हार्शनेस है ना, वो बहुत इजीली बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो गई है और बहुत नेचुरल सा लुक आ रहा है। अपनी सेकेंड आईब्रो भी कम्प्लीट कर ली है, तो प्रोग्रेस करेंगे वो करेंगे आई मेकअप के टूवर्ड्स। आई मेकअप मैंने बहुत बहुत सिंपल रखा था, आई मीन अभी आप देखोगे ना तो यू विल बी लाइक लिटरली इतना ईजी। तो जो मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किया था वो मैंने किया था मेरा ब्लशर पैलेट यूज़, ये ब्लशर पैलेट पैक का है एंड मैंने इसमें से ना ये कोरलिश शेड है ना इसे अप्लाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड इसे अच्छे से अप्लाई करते हैं। मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है यहाँ पे, इस टाइप के फ्लफी ब्रश को आपको लेना है एंड देन डस्ट ऑफ करना है, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एंड देन उसके बाद वेट आई गेस नाउ या टॉकिंग, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे अच्छे से अप्लाई करना है। मैं कहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ इसे, मैं लिड एरिया, ट्रांजिशन एरिया, मैं कम्प्लीटली इसे ही अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज ये जो लुक है ना ये वन शेडो लुक होगा, इसमें मैंने एक ही शेड अप्लाई किया है, तो ये वन शेडो लुक होगा। तो मैंने इसे, आपको याद रखना है कि आपको ना इस एरिया के अंदर नहीं जाना है, जब भी आप कभी अप्लाई कर रहे हो ना आई शेडो या कोई भी आई मेकअप कर रहे हो, तो जस्ट बी केयरफुल कि आप बहुत ज़्यादा इस साइड पे नहीं अप्लाई करो इसे, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, तो आपको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है इस कलर को। एज यू कैन सी ये कलर आना स्टार्ट हो गया है, पहले मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ना ये वाला ब्रश क्यों लिया है आप सोच रहे होंगे, तो ये ब्रश मैंने ना इसलिए लिया है बिकॉज ये जो ब्रश है ना ये पिक करेगा प्रोडक्ट को, लेकिन कम क्वांटिटी में पिक करेगा एंड उसे अच्छे से ब्लेंड करने में भी हेल्प करेगा। मैं इसी से पिक कर रही हूँ, ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट को पिक कर रहा है एंड देन मुझे ना हेल्प कर रहा है उसे ब्लेंड करने में, बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है एंड हमारा आई लुक कंप्लीट है ऑलमोस्ट। सो हियर इट इज, तो इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईज के ऊपर भी अप्लाई कर लेती हूँ। एंड वन मोर थिंग, हम इसी सेम शेड को ना अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करेंगे, इसी सेम शेड को हम लोग अप्लाई करेंगे लोअर लैश लाइन पे। तो अभी सेम टाइम पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, बाद का क्यों रखना है, अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, उसी डेप्थ तो चाहिए होगी ना नीचे भी। आई होप आप ना अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैं ना ये रियल टाइम वाला वीडियो बहुत टाइम से करना चाहती थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ना मैं जब इस टाइप का वीडियो करूँगी ना तो मैं बहुत इजीली समझा पाऊँगी, बिकॉज वॉइस ओवर में आप कितना ही समझा दोगे, कितना समझा पाओगे। तो एज यू कैन सी हियर मैंने अपनी दोनों आईज पे आई शेडो वाला काम जो है वो कम्प्लीट कर लिया है, ऊपर भी अप्लाई कर लिया है एंड नीचे लोअर लैश लाइन के ऊपर भी अच्छे से अप्लाई किया है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो लाइनर अप्लाई करने वाले हैं एंड वन मोर थिंग, हम लाइनर अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वन मिनट थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो लाइनर है वो शो स्टॉपर है, तो जो लाइनर है वो मैंने यूज किया है लैक्मे इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर, ब्लू शेड है एंड बहुत ही प्यारा शेड है। आई मीन लिटरली अगर आपको कोई ब्लू कलर चाहिए ना तो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस लाइनर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको लाइनर अप्लाई करना होगा ना तो आप कभी भी ना स्टार्टिंग से उसका ना मतलब शुरू मत करो, जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए या तो वो एंड से होना चाहिए, आप विंग बनाओ, या फिर वो होना चाहिए ना आपका मिड से, क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत थिक लाइन क्रिएट कर लेते हैं अननोइंगली।
होता है ऐसा, बहुत बार होता है। तो अगर आपको ये नहीं करना है ना मिस्टेक, तो आप मेरी सलाह मानो। ये मेरा बहुत अच्छा सजेशन है कि आप मिड से स्टार्ट करो। ओके, तो मैं भी वही करने वाली हूँ। तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ अप्लाई किया, मैंने कहा था ना हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो आप देखो मैं लगाती हूँ एंड आप सीखो। As you can see ना, मैं बहुत धीरे धीरे उसे इनवर्ड्स लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत थिन सा लाइनर चाहिए, बिकॉज ये ब्लू है, ये ऑलरेडी बहुत पॉप करने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि ये बोल्ड हो बहुत ज्यादा। मैं धीरे धीरे इनवर्ड्स जा रही हूँ। As you can see, हम लोगों ने ना बेसिक लाइनर अप्लाई कर लिया है। बेसिक लाइनर इन द सेंस कि मैंने कोई विंग क्रिएट नहीं किया है, मैंने कोई बहुत बोल्ड कैट आई दिस एंड दैट कोई अप्लाई नहीं किया है, एंड मैंने बहुत बेसिक सा लाइनर अप्लाई किया है। आई गेस ये जो लाइनर का स्टाइल है ना, वो सब पे सूट करता है। इवन यू हैव अ हुडेड आईज और एनी काइंड ऑफ आईज, ये सब पे सूट करता है। तो सबसे बेसिक लाइनर है। आप चाहे तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं, आपको विंग बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं बिगड़ जाएगा, तो मेरा सजेशन है जस्ट स्टॉप। तो यहाँ पर रुकने के बाद आप रुक सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा लाइनर को एज पर माय आईज थोड़ा सा इसे विंग दूंगी। एज यू कैन सी हमारी आईज पे आईलाइनर का काम खत्म हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ना क्लोजअप के अंदर मोस्टली अपना आई मेकअप आज शो किया है, सो दैट ना आपको वो कोई कंफ्यूजन ना रहे और बहुत इजीली एक क्लियर सा व्यू आपको मिले। के बाद जो मैंने अप्लाई किया था वो ब्राउन कलर का काजल यूज किया था। आप चाहे तो न्यूड काजल भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये के ब्यूटी का ब्राउन कलर का काजल है, एंड यहाँ पर मेरे पास NYX का न्यूड भी है, बट मैं यहाँ पे पर्सनली जो अभी अप्लाई करूंगी वो ब्राउन कलर का है। अभी अगर आपको लग रहा हो ना कि ब्राउन कलर का क्यों, न्यूड कलर का क्यों एंड ब्लैक क्यों नहीं, तो इसलिए बिकॉज जो ये आई मेकअप लुक किया है हमने, ब्लू कलर का लाइनर लगाया है, तो हम चाहेंगे ना कि ये शो स्टॉपर हो। अगर मैं इसके नीचे ब्लैक अप्लाई कर दूंगी तो वो उतना अच्छे से ना दिखेगा नहीं आपको। तो या तो आप न्यूड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्राउन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पर ब्राउन अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्राउन कलर का काजल आपको यूजुअली जैसे आप अप्लाई करते हो वैसे ही अप्लाई करना है, तो नो रॉकेट साइंस हियर। बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना है हमें, थोड़ा थोड़ा कलर चाहिए मुझे बस, दैट्स इट। एंड जब भी आप काजल अप्लाई करते हैं ना, तो एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी, तो आप ना अपने इस एरिया के ऊपर ना काजल जरूर अप्लाई करें, जो बेसिकली ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अदरवाइज ये ना ब्लैंक दिखता है, तो वो आई के अंदर ना वो अच्छे से वो नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन इसलिए नहीं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज आपको बताते बताते ना मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अदरवाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अभी तो करंटली हमने ये कंप्लीट कर लिया है, दैट्स इट। इस मेकअप लुक के लिए ना, इस आई लुक के लिए बस इतना ही था। अभी आपको लग रहा होगा बस इतना सा, तो जी हाँ बस इतना सा, और स्टिल ये इतना अच्छा लग रहा है। बस मैं यहाँ पे क्या करूँगी, छोटा सा ना ब्रश लूँगी मैं यहाँ पे। ये आप अपना कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं या कोई और पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ये पाउडर लेके ना इसे डस्ट ऑफ करके जो मेरा आईब्रो वाला एरिया है ना, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, सो दैट जो मैंने आई शेडोज लगाई थी ना वो ऊपर से भी ब्लेंड हो जाए अच्छे से ना, और मेरी आईब्रो जो है ना वो भी हाईलाइट रहे। वैसे ही दूसरी जगह भी कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरी आई को भी। सो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस थी इस लुक में नहीं थी ना, बस इतना सिंपल सा लुक था। बट आई एम ग्लैड कि फर्स्ट टाइम आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे मेकअप लुक क्रिएट करें, बिकॉज मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए, कौन सा मेकअप लुक चाहिए, क्या मैं कौन सी वीडियोस बनाऊँ, बिकॉज ना तब अच्छा लगता है जब आपसे सब कहते हैं ना कि आप ये वाली वीडियो बनाओ, आपके सब्सक्राइबर आपसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था ना अपने फेस पे वो ब्लशर अप्लाई किया था। एज यू कैन सी आईज वाला पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो उस वीडियो के अंदर भी जो मैंने अप्लाई किया हुआ है ना वो सेम ब्लशर है।
वेट अ मिनट, हम लोगों ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, अदरवाइज फिर वो लुक ना वैसा टर्नड आउट नहीं होगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग ना, अब आपको लग रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं मस्कारा के बारे में बात कर रही हूँ। बट स्टिल ना, जब मैं वीडियो की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने उस वीडियो के अंदर कौन सा मस्कारा अप्लाई किया था। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में कौन सा मस्कारा यूज किया था। तो करंटली हम यूज करेंगे मेरा करंट फेवरेट मस्कारा, जो कि मार्स का मस्कारा है, एज यू कैन सी हियर दिस। तो इसे अप्लाई कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि कुछ तो पेंडिंग है, एंड सडनली आई गॉट रियलाइज कि मस्कारा नहीं अप्लाई किया। एंड मस्कारा के बिना गाइज, अभी मैं इसके अंदर आपको डिफरेंस शो करके दिखा सकती हूँ कि क्या डिफरेंस आया है, बिकॉज अभी तो दोनों आईज पे नहीं है ना मस्कारा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे नीचे देखते हुए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अदरवाइज मिसहैप होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मुंह बंद, हाथ चालू, अब मैं इसे थोड़ा सा ड्राई होने देना है, बिकॉज आप क्या करते हैं समटाइम्स, आई मीन पहले मैं भी ये प्रॉब्लम होती थी, मुझे भी, मैं भी यही मिस्टेक करती थी। जैसे मैंने ऊपर वाली लैशेस के ऊपर अप्लाई किया ना मस्कारा, एंड देन मैं ऊपर देखती थी एंड वो ऊपर भी ट्रांसफर हो जाता था इस वाले एरिया के अंदर। तो आपको थोड़ा सा रुकना है सो दैट जो आपने अभी मस्कारा अप्लाई किया है वो ड्राई हो जाए, देन हम नीचे वाले लैशेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। आई गेस इट्स, सी नहीं करना चाहिए, पहले बोला था मैंने आपको, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो गई इसलिए ड्राई होने देंगे, थोड़ा सा फ्लेक आउट कर देंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर किया है गड़बड़ यहाँ पर, बट हम इसे ना ड्राई आउट करेंगे एंड देन फ्लेक ऑफ कर देंगे, सो नो वरीज, वी हैव हैड। सो अभी ये ड्राई हो गया है, अभी हम लोअर लैशेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक्सप्रेशन पे कोई नहीं जाएगा, ओके। सो हेयर, तो मैंने आपको बोला था ना कि डिफरेंस हम लोग बताएंगे। तो एज यू कैन सी, आप इस आई को देख सकते हो, आई डोंट नो उतना विजिबल हो रहा है कि नहीं, बट ये वाली आई बहुत अच्छे से कंप्लीटेड, बहुत अच्छा सा लुक लग रहा है, एंड ये थोड़ी सी ब्लेंड लग रही है, मतलब लग रहा है कि कुछ तो कमी है। क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस आई को भी कम्प्लीट करते हैं। देन तो इसे हम करते हैं क्लोज, एंड इसके बाद बारी आती है फ्लेक ऑफ करने की, जो हमने मिस्टेक की थी, जो मैंने आपको दिखाई थी ऑलरेडी। कम क्लोजर एंड देन अब हम लोग इसे फ्लेक ऑफ करेंगे। एज यू कैन सी ये कितनी ईजीली फ्लेक ऑफ हुआ है। अगर मैं इसे उसी टाइम पे करती ना, मैं सेम टाइम पे अगर कोशिश करती कि मैं इसे जल्दी से हटा देती हूँ, तो वो पूरा स्प्रेड हो जाता एंड जो आई मेकअप है ना, मुझे वहाँ से वापस से उसको करेक्ट करना पड़ता, स्टेप्स इंक्रीज हो जाते बेसिकली। तो मैंने इस आई के ऊपर भी ब्लंडर किया है, एज यू कैन सी, आप इस तरह का एक स्लांटेड ब्रश भी ले सकते हैं, आप फ्लफी ब्रश भी ले सकते हैं, लेट मी शो यू, आप इस टाइप का ब्रश भी ले सकते हैं। सेम ब्लशर अप्लाई करेंगे, जो मैंने आईज पे अप्लाई किया था मैं वही सेम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज उस सेम लुक में मैंने सेम चीजें की थी, तो मैं उसी लुक को रिक्रिएट कर रही हूँ ना, इसलिए मैं बेसिकली सारी चीजें सेम ही कर रही हूँ। एंड आपको ब्लश अप्लाई करना है। मैं आपको ना एक टिप देना चाहूंगी यहाँ पे, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना ब्लश, तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करो, बिकॉज जब आप पीछे से स्टार्ट करते हो ना, तो आपका ना पिगमेंटेशन इस वे में आता है, बहुत ग्रेडियंट वे में यहाँ पर आता है, बट इस तरीके से ना पैच छोड़ के चलेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा उसे से ब्लेंड करने में, आप लगे रहोगे उसे ब्लेंड करने में। बट इफ यू डोंट वॉन्ट दैट लुक ना, आप बहुत अच्छा सा ऐसे कलर चाहते हो कि हाँ भाई कलर आना चाहिए, बट डस्ट ऑफ किया है मैंने, लेट मी शो यू, ऐसे करके आप डस्ट ऑफ करो इसे, एंड उसके बाद आप अच्छे से इसे अप्लाई करो। देर आर सेवरल टेक्निक्स जिससे ब्लश अप्लाई होता है, मैं आपको यहाँ पर आज ये वाली अप्लाई करूँ, ये मेरी फेवरेट है, काइंड ऑफ सी टेक्निक बोलते हैं इसे, यहाँ पे इसे आप अप्लाई करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जो आपकी एजेस है ना उसे भी आप साथ के साथ ब्लेंड करेंगे। अच्छा सा ब्लश का कलर आया है एंड कहीं पे भी वो आपको ना एक पैच नहीं शो हो रहा होगा कि हाँ भाई एक पैच शो हो रहा है आपको। सो मैंने अपना लुक कंप्लीट कर लिया है, ब्लश अप्लाई कर लिया है, दूसरी साइड पे भी एज यू कैन सी कितना सीमलेसली ब्लश अप्लाई हुआ है।
एंड मैंने ऑफ कैमरा एक्चुअली अप्लाई कर लिया था नोज के ऊपर भी, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो थोड़ा सा मैंने नोज के ऊपर अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा चिन के ऊपर यहाँ पर अप्लाई किया है एज यू कैन सी, एंड बहुत सीमलेस लुक आया है। एंड देन मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ना कोई पाउडर, मतलब उस लुक के अंदर पर्टिकुलरली मैंने कोई पाउडर हाईलाइटर अप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरे पास ना स्विस ब्यूटी का ये है रियल मेकअप बेस, मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा अपने हैंड के ऊपर लूंगी एंड मैं इसे अपनी फिंगर की हेल्प से ही ना अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो ये ना बहुत सटल सा लुक देगा, अपने जो लुक क्रिएट किया है ना ये आप कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मैंने डॉट्स के फॉर्म में अप्लाई किया है एंड देन मैं पाउडर के ऊपर इसे अप्लाई कर रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, इसकी अच्छी बात यह है कि ना ये पाउडर के ऊपर भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, कोई पैच नहीं क्रिएट करेगा। अदरवाइज क्या होता है, आप पाउडर के ऊपर ना लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते हो, वो बहुत पैची दिखते हैं। बट एज यू कैन सी हियर हमें बहुत अच्छा सा ग्लो मिल रहा है एंड कोई पैच भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से एंड दूसरी साइड से भी मैं सेम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट लुक कम्प्लीट हो चुका है, हमें सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करनी है, नथिंग एल्स। यहाँ पे ये हो गया है कम्प्लीट। थोड़ा सा हम नोज के ऊपर अप्लाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करेंगे नोज के ऊपर एंड थोड़ा सा चिन, सो दैट अच्छा सा ग्लोई फेस लगे। तो एज यू कैन सी ये बहुत अच्छे से ग्लो आ रहा है और पाउडर हाईलाइट की हमें जरूरत नहीं पड़ी है, लिक्विड हाईलाइटर है, स्टिल ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है। अप्लाई की थी लिपस्टिक जो कि कोरल है, काइंड ऑफ इसका नाम है, ये है ब्रांड लवर की तरफ से है ये। एज यू कैन सी आई डोंट नो ये फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट लवर का लिक्विड मूस ये है लिप कलर एंड शेड नेम है पिंक कोलाडा। हम लोग इसे अप्लाई करेंगे, आप चाहे तो लिप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं बट करंटली मैंने लिप लाइनर नहीं अप्लाई किया है। बट उससे पहले वन थिंग कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं ना लिपस्टिक, तो उससे पहले आप अपने लिप्स को अच्छे से प्रेप करेंगे। लिप्स को प्रेप करना होता है कि आप अच्छे से लिप बाम लगाएंगे जब आप मेकअप शुरू कर रहे हैं तब, क्योंकि जब तक आपका मेकअप बाकी फेस का कंप्लीट होगा ना तब तक आपके लिप्स बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे, सो दैट आप कोई भी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो, मूज लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिप्स पे ना बहुत अच्छे से सेट होगी और बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई फील नहीं देगी आपको। ओह माय गॉड, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा लिप कलर है, आई मीन समर एप्रोप्रिएट है, बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो एज यू कैन सी लोअर लिप कम्प्लीट हो चुका है, अभी अपर लिप पे अप्लाई कर रही हूँ। बट आप मुझे बताइएगा, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट ना एक्चुअली बहुत बार मिला है कि विदाउट लिपस्टिक मेरे लिप्स बहुत थिन लगते हैं एंड आफ्टर लिपस्टिक वो पाउटी लगते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट ना एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ के ऊपर कि कैसे आप परफेक्टली अपने लिप्स को ओवरलाइन कर सकें सो दैट वो किसी को दिखाई नहीं दे कि आपने उनको ओवरलाइन किया है एंड येट वो उससे ब्यूटिफुल पाउटी जूसी काइंड ऑफ लिप्स लगे। So do let me know in the comment section if you want. So here it is, lipstick complete हो चुकी है और lipstick के साथ साथ ही makeup look भी complete हो चुका है, that's it. So basically ये makeup look इतना ही था। इसमें आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इस लुक में, कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं हुआ है, कोई कॉन्टोरिंग नहीं की गई है, बहुत मिनिमल बेसिक से इसके अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे एंड ये लुक इतना अच्छा टर्नड आउट हुआ है। सो एट दी एंड हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक सेटिंग स्प्रे। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फेसेस कैनेडा का अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर, ऐसा दिखता है ये कुछ, एज यू कैन सी, एंड इसे हम अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर सो दैट हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलरली दूरी पे हम रखेंगे एंड देन स्प्रे करेंगे।
अब इसे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे हम लोग. एंड हेयर इट इज, मेकअप कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा. एंड एज यू कैन सी, एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने ना कोशिश की है कि मैं अपना हेयर स्टाइल भी ना वो सिमिलर ही रखूँ वीडियो वाला, तो मैंने वो हेयर स्टाइल भी सिमिलर ही रखा है. आई डोंट नो वीडियो में कितना शो हो रहा था कितना नहीं, बट आप लोगों ने बोला था कि वो लुक रिक्रिएट करना है, तो मैंने सोचा कि जितना बेस्ट पॉसिबल मैं सिमिलर लुक कर सकूँ ना, मैं उतना सिमिलर इस लुक को क्रिएट करूँ, इसीलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी. एंड अगर आपकी ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट है कि आप कोई मेकअप लुक क्रिएट कराना चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलरली कुछ हैक्स आपको जानने हैं, ट्राई करने हैं, कोई हॉल्स आपको चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मुझे और भी अच्छा लगेगा कि अगर वो वीडियोज़ मेरे सब्सक्राइबर मुझे बताएं कि मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बिगनर्स फ्रेंडली हो या कोई भी वीडियो हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा. तो चलिए, इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. बट वन मोर थिंग, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट तो फुल श्योर करना ही करना है, नो डाउट. तो कमेंट कर दीजिए अभी के अभी वीडियो जाते ही. एंड हियर, यहाँ पर है सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है. हियर इट इज, सब्सक्राइब बटन. एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू लीव अ कमेंट हियर. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.